हेलो, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बंदरों की स्टोरी सुनाने वाली हूं। ये स्टोरी मंकीज और एक कैप सेलर की है। एक बार एक कैप सेलर था। वो अपनी टोकरी में खूब सारी कैप्स रखकर टोकरी को सिर पर रख लेता और टोकरी लेकर कैप्स को बेचने निकल जाता और जोर जोर से आवाजें देता, टोपी ले लो, टोपी ले लो, गर्मी से बचाती टोपी ले लो, रंग बिरंगी टोपी ले लो। सारे लोग आते और उसकी टोपियां ले जाते। लेकिन एक दिन जब वो अपनी टोपियां लेकर निकला तो बहुत गर्मी थी। सारे लोग अपने घरों में एसी चालू कर कर पंखा लगाकर बैठे हुए थे। उसकी टोपियां खरीदने कोई बाहर नहीं आया। चलते 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 वो थक गया। चलते चलते वो पहुंचा एक जंगल की तरफ। वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसने सोचा, इस पेड़ के नीचे थोड़ी सी देर बैठकर आराम कर लेता हूं, फिर शाम हो जाएगी, आराम से ठंडक में जाकर टोपियां बेचूंगा। उसने टोपियों की टोकरी रखी नीचे और आराम से पेड़ पर टिककर बैठ गया। जब उसने आंख बंद करी तो ठंडी ठंडी हवा के कारण उसकी नींद लग गई। जहां वो सोया था उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते थे और ये बंदर बहुत ही बदमाश थे। जब बंदरों ने देखा कि कैप सेलर सो गया है और उसके सिर पर एक टोपी है, वो कूदते हुए नीचे आए, हुप और आकर चुपचाप बंदरों ने टोपी उठाई, अपने सिर पर पहनी और फिर से भागते हुए पेड़ पर चढ़ गए। अब जब कैप सेलर सोकर उठा तो उसने सोचा, अब मैं अपनी टोकरी लेकर और जाता हूं, मैं तो फ्रेश हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी टोकरी पर नजर पड़ी, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर उधर भागने लगा, मेरी टोपियां कहाँ चली गई, मेरी टोपियां कौन ले गया, अरे जिसने भी मेरी टोपी ली है दे दो। लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं और बंदर तो चुपचाप पेड़ पर चढ़े बैठे हुए थे। इधर उधर देखते हुए सडनली उसकी नजर पेड़ पर पड़ी और जैसे ही उसने पेड़ पर देखा, उसे सारी बात समझ में आ गई। बंदरों से टोपियां मांगने लगा, देव देव मेरी टोपी देव। लेकिन जब वो ऐसे ऐसे हाथ करता तो पेड़ पर बैठे बंदर भी ऐसे ऐसे हाथ हिलाते। वो सोचने लगा, क्या करूं। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से ऊपर मारा तो एक बंदर फुदकता हुआ नीचे आया। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से उसे मारा। उसने सोचा, हाँ, ये सारे बंदर नकल कर रहे हैं मेरी। मुझे एक तरकीब सूझी है, जरा ट्राई करके देखता हूं। उसने चुपचाप अपनी धीरे से बंदरों को दिखाकर टोपी उतारी और जोर से टोपी नीचे फेंक दी। उसने जैसे ही टोपी नीचे फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारी और जोर से नीचे फेंक दी। फटाफट कैप सेलर ने अपनी सारी टोपियां उठाई, टोकरी में भरी और वहां से भाग गया और बंदर बैठे देखते रह गए। बच्चों,
इस कहानी से आपने क्या सीखा? मुझे ये समझ में आता है कि हमें किसी की भी नकल कभी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अगर हम किसी की नकल करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? नकलची बंदर। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।